आज मैं आपको बताने जा रहा हूं जीरावन से बनने वाले चिकन की विधि। यह है इंदौर की शान। जीरावन चिकन बनाने के लिए हमें चाहिए कश्मीरी मिर्च 2 चम्मच, कुछ कड़ी पत्ते, कटा हुआ धनिया। मैंने लिया है यहां पर 3 पाव चिकन, तकरीबन 750 ग्राम, 3 मीडियम टमाटर कटे हुए, आधा छोटा चम्मच हल्दी, 5 से 6 लहसुन की कली कटी हुई। यहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जीरावन, क्योंकि इस चिकन की रेसिपी का नाम ही जीरावन रेसिपी है। ये आपको लेना है तकरीबन 3 से 4 बड़े चम्मच। यहां हम लेंगे नमक, मैंने 2 चम्मच लिया है, आप स्वादानुसार डाल सकते हैं। थोड़ा सा गरम मसाला लेंगे और 2 चम्मच कसूरी मेथी लेंगे। साथ में हम लेंगे 5 से 6 इस तरह से कटी हुई हरी मिर्च, आपको 2 भागों में काटना है इसको। फिर आप लेंगे थोड़ा सा दही, तकरीबन 100 ग्राम के आसपास। हरा धनिया तो कटी हुई नहीं है, ये मैंने कढ़ाई ली है, इसमें आपको कुछ भी नहीं डालना है, तेल भी नहीं डालना है। हल्की गर्म होने के बाद ये कटे हुए कुछ चिकन के पीसेस थे जो कि 750-800 ग्राम मैंने आपको बताया था, ये ऐसे की ऐसे आपको कढ़ाई में डालना है विदाउट एनी ऑयल, कोई ऑयल यूज नहीं करना है हमें इस चिकन में। इस चिकन को तकरीबन 5 से 7 मिनट आप ढक देंगे और इसे भाप में पकने देंगे। अब हम इसको ओपन करेंगे और एक बार इसको मिला लेंगे। इस चिकन में ऑयल का यूज नहीं करना है, ये सिर्फ भाप से पक रहा है, स्टीम हो रहा है। मिलाने के बाद हम इसे वापस से 3 से 4 मिनट के लिए ढक देंगे। अब हम इस चिकन को देखते हैं। इस चिकन को 5-7 मिनट पकने के बाद आप देख रहे होंगे थोड़ा सा चिकन व्हाइट हो गया, मतलब लगभग ये चिकन पक चुका है। हमें पूरा चिकन इसमें नहीं पकाना है। देन अब हम इसमें डालेंगे ये 3 कटे हुए टमाटर थे जो मैंने आपको शुरू में बताया था, ये मीडियम साइज टमाटर थे, हमें ये पूरे इसी के ऊपर डालना है। चार से पांच हरी मिर्ची जो मैंने आपको बताया था इस तरह से काट के आपको इसके ऊपर, 5 से 7 लहसुन की कली जो हमने चॉप करी थी, अब हम इसको मिलाएंगे। आप यहां देखेंगे कि चिकन ने पानी छोड़ दिया है, हमने पानी नहीं डाला। देखिए ना हमने पानी यूज किया है ना तेल यूज किया है, चिकन टमाटर और हरी मिर्ची को मिक्स करके हम थोड़ी देर, साथ में लहसुन भी डाला था, इन सबको मिक्स करेंगे हम, अच्छे से मिक्स करना है। ये पूरा स्टीम चिकन है, एक्चुअली स्टीम पे ही बन रहा है ये। अब हम इसको फिर 5 से 7 मिनट के लिए ढक देंगे। एक बार देखें, आप देखेंगे अभी स्टीम में ही पक रहा है, आप देखेंगे पानी अपने आप निकल रहा है, मतलब हमने पानी भी नहीं डाला इस चिकन में और हमने तेल भी नहीं डाला, ऑटोमेटिकली ग्रेवी बन रहा है। अच्छा, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये वीडियो टाइम लेपिंग के द्वारा बनाया गया है, तो कृपया ध्यान रखें ये मेरा जो वीडियो 5 to 10 मिनट्स का ही होगा। इस चिकन को बनने के लिए तकरीबन 20 से 25 मिनट का टाइम लगता है। अब हम इसमें डालेंगे आधी चम्मच हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला इस तरह से। मसाले डालते समय गैस को आप स्लो आंच पे कर दीजिए। ये हमने कड़ी पत्ते लिए थे, नॉर्मली इसको बघारा जाता है पर आप इसको डायरेक्टली इस पे डाल दीजिए। अब हम डालेंगे इसमें 2 छोटे चम्मच कश्मीरी मिर्च,
इसमें हम डालेंगे सबसे इंपॉर्टेंट, इस इंग्रेडिएंट्स को बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है जीरावन, बिकॉज इसका नाम ही है जीरावन चिकन। सबसे ज्यादा मात्रा में हमें यही डालना है। अब स्वादा अनुसार नमक डाल सकते हैं, नमक आप अपने स्वाद के हिसाब से डाल सकते हैं। अच्छा ध्यान रखिए जीरावन में भी नमक होता है, तो आप थोड़ा सा नमक पहले कम डालिए, उसके बाद ही आप नमक को टेस्ट करने के बाद आप वापस डाल सकते हैं। आखिरी में हम डालेंगे इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी डालते समय आप थोड़ा सा ऐसे हाथों से इसको रब कर लेंगे और इस तरह से आप देखेंगे कि अभी खुशबू आना चालू हो गई है इस चिकन में से, काफी अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। और आप अब इसका कलर देखेंगे, इन सबको अच्छे से मिक्स करना है आपको। नॉर्मली इंदौर में जीरावन पोहे पे डाल के खाया जाता है, पर ये मैंने ऐसा चिकन बनाया है जो जीरावन से ही बनता है। इसको खाने के बाद आप देखेंगे कि काफी टेस्टी चिकन होता है, जो कि बिना ऑयल, और आपने नोट किया होगा इसमें मैंने अदरक लहसुन और प्याज का यूज नहीं किया है। आपने हमेशा देखा होगा नॉनवेज बनाते समय अदरक लहसुन और प्याज डाला जाता है, बट हमने यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज यूज नहीं की। सॉरी लहसुन हमने डाले हैं इसमें, अदरक और प्याज हमने कहीं भी यूज नहीं किया। नॉर्मली पेस्ट यूज करते हैं अदरक लहसुन का या प्याज का, बट हमने सिर्फ लहसुन की कुछ कलियां डाली हैं, वो भी आप टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं, नहीं भी डालेंगे तो कोई इशू नहीं है। यहाँ देखेंगे आप चिकन कितना रेडिश हो गया है और इसमें काफी अच्छी स्मेल आ रही है। अच्छा ये बताना चाहूंगा कड़ी पत्ता हमने यूज किया है यहाँ। कड़ी पत्ता एक एंटीऑक्सीडेंट का काम भी करता है, जो कि आईज के लिए अच्छा होता है, कैंसर के लिए भी काफी अच्छा होता है ये, और इसकी स्मेल भी काफी अच्छी होती है, और यहां तक कि ये हेयर ग्रोथ के लिए भी काफी अच्छा होता है। तो कड़ी पत्ता आप किसी भी चीज में यूज कर सकते हैं। तीन लास्ट में हम इसमें थोड़ा सा दही डालेंगे, स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं, पर तीन पाव में तकरीबन में 4 से 5 इतने बड़े चम्मच डालूंगा। 2, 3, 4 और ये 5, लगभग मैंने 5 चम्मच ही इसमें लिया। अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। दही डालने के बाद आप देखेंगे कलर काफी अच्छा दिखने लगेगा इसका, और आप देखेंगे कि ना हमने इसमें पानी डाला है और ना तेल का यूज किया है इस पूरे चिकन में, कहीं पे भी ऑयल फ्री चिकन है, और बिल्कुल आपको आप देखेंगे कि बिल्कुल वैसे ही बना है जैसा ऑयल डाल के बनाया जाता है या पानी डाला जाता है। मैंने यहाँ पर पानी भी नहीं डाला इस चिकन में। अब हम ध्यान रखेंगे कि मसाला और सारी चीजें डालने के बाद इसे तकरीबन 5 से 7 मिनट तक और पकाना है, ताकि चिकन में मसाला अच्छे से जा सके। एक बार हम इस चिकन को देखेंगे, आप देखेंगे ये ऑटोमेटिकली इसमें पूरा कलर्स आ गए। हमने ना तेल यूज किया है ना पानी यूज किया है, चिकन में बिल्कुल भी हमने तेल पानी का यूज नहीं किया, ये चिकन पूरा पक चुका है। ध्यान रखिएगा ये वीडियो टाइम लैपिंग के द्वारा बनाई गई है, इस चिकन को बनाने के लिए मात्र 20 से 25 मिनट का ही टाइम लगता है। अब हम इस चिकन को बाउल में खाली करके गार्निश कर लेंगे। खाली करने का
ये कटे हुए धनिए से अब हम इसे गार्निश करेंगे। देखिए ये चिकन रेडी हो चुका है गार्निश के बाद, इसमें काफी अच्छी स्मेल भी आ रही है। और इस चिकन का मजा आप रुमाली रोटी और तवा रोटी के साथ ले सकते हैं। अगर आप ये घर में बना के ट्राई करिए, अगर आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज मेरा चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। एक बार फिर कहना चाहूंगा आप लोगों से, अगर आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल का नाम है धीरज मोहंती, आप उसे लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। ऐसी ही अच्छी रेसिपी और लाता रहूंगा, हेल्दी रेसिपी आपके लिए।